मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद से पूरे प्रदेश में मंदिर से लेकर मजारों तक लोग शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे हैं। जबलपुर में बीजेपी के जमा खान और कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ मिलकर कचहरी वाले बाबा की दरगाह में चादर चढ़ाई और मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। चादर चढ़ाकर शिवराज सिंह चौहान की अच्छी सेहत की दुआ मांग रहे लोगों का कहना था कि शिवराज बच्चियों के मामा और महिलाओं के भाई कहलाते हैं। सीएम जात पात और मजहब से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना की चपेट में आने के बाद भी वे सभी की चिंता करते हुए अस्पताल से काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेहत के लिए दुआ मांगना हमारा फर्ज है। चादर पेश करने आए लोगों का कहना था कि सभी को उम्मीद है कि उनकी दुआ कबूल होगी और शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से जल्द डिस्चार्ज होंगे। जबलपुर से संवाददाता कदीर खान की रिपोर्ट। किसानों के नेता, भांजियों के मामा, खवातीनों के भाई और गरीबों के मसीहा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए सेहत याफ्ता होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हजरत कचहरी वाले बाबा साहब के यहाँ चादर पेश करी है। जो वैश्विक महामारी है कोरोना, वो पूरे प्रदेश के अंदर पांव पसार रही है और हमारे मुख्यमंत्री भी उससे ग्रसित हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि अपनी ज़िंदगी का हर एक वक्त जो आवाम की खिदमत के लिए वफ़ किए हुए हैं, उनकी जल्द से जल्द सेहत याफ्ता हो, जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो, ताकि प्रदेश में जो वो गरीबों की खिदमत करने में लगे हैं वो वापस तत्पर चालू हो।